अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जाना चाहते हैं तो भूलकर भी आप ये गलती ना करें। उसके बाद ये भी बताने वाला हूँ अगर आप पावर बैंक ले जाते हैं तो फिर किस बैग में लेकर जा सकते हैं, नहीं तो आपके लिए मुसीबत एयरपोर्ट पर हो सकती है, आपका सामान भी रुक सकता है, आपका सामान भी लेट हो सकता है। उसके बाद ये भी बताने वाला हूँ अगर आप फ्लाइट में गोल्ड लेकर जाना चाहते हैं तो फिर कितना ग्राम लेकर जा सकते हैं। उसके बाद ये बताने वाला हूँ कि आप अगर मोबाइल लेकर जाना चाहते हैं आईफोन तो हम कितना आईफोन लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आप फ्लाइट में क्या क्या चीज़ लेकर जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद जो लोग भी सऊदी अरब से बिना कफिल के फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, काफ़ी लोगों का सवाल आता रहता है कि भाई हम यहाँ पर आकर फंस गए हैं, कंपनी को बोलता हूँ मुझे भेज दो, मैं नहीं रहूँगा, मैं अपना टिकट भी लगाकर जाना चाहता हूँ फिर भी कंपनी नहीं भेजता है, तो हम क्या करें, हम किस तरह से अपने मर्जी से अपने देश वापस चल जाए। तो लास्ट में ये तरीका बताऊंगा किस तरह से आप बिना कफिल के मर्जी से अपने देश जा सकते हैं। ये बहुत आसान सा तरीका है, काफी लोग नहीं जानते हैं तो मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं, क्योंकि हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया और बेहतर जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता होगा फ्लाइट में पावर बैंक ले जाना मना है, लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हैं तो फिर कितना 1000 mAh का हम लेकर जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप ले जाना चाहते हैं तो भूल कर भी पावर बैंक लेकर जाते हैं तो जो लगेज वाला होता है, जो आप डायरेक्ट वजन कराकर छोड़ देते हैं, उस बैग में आपको बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप उसमें डालते हैं और आप चले जाते हैं तो बाद में चेकिंग के दौरान उसे ओपन कर दिया जाएगा, वो खोल दिया जाएगा, क्योंकि आपने लापरवाही की है। अगर आपके सामने में ये चीज़ होता है, वो पकड़ा जाता है, तो फौरन आपको बोल दिया जाएगा इसमें पावर बैंक है, इसको फौरन रिमूव करो और उसे निकालो। काफ़ी लोगों का निकाला गया, मेरा एक खुद रिश्तेदार पावर बैंक लगेज में डाल दिया था, उसे वहीं पे ओपन करवाया और उसका जो खर्चा है वो बढ़ गया, क्योंकि लगेज ओपन कराने के बाद आपको वहाँ पे फिर पैकिंग कराना पड़ता है, पैकिंग कराने का जो चार्ज होता है काफ़ी बढ़ जाता है एयरपोर्ट पे। तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो फिर अपने हैंड बैग में, जहाँ पर आप अपने साथ में एक छोटा सा बैग लेकर जाते हैं, उसमें डालकर आप ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लेकर जाएंगे तो कितना 1000 mAh का पावर बैंक हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 5000 से 10000 तक का अलाउ था, अब 13000 तक अलाउ है, उसके बाद 20000 तक का भी अलाउ है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लेकर जाते हैं यानी 30000 25000 mAh का लेकर जाते हैं तो फिर मुसीबत हो सकती है, आपके लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पावर का जो पावर बैंक होता है ये फटने का अलाव होता है, यानी फटने का डर होता है, क्योंकि कई बार प्लेन में पावर बैंक फटा उसके बाद उसकी वजह से आग भी लग गई। तो इसी वजह से पावर बैंक को लगेज में नहीं डाल सकते, अपने साथ हैंड बैग में लेकर जाए। अगर आप 30000 25000 mAh का भी लेकर जाते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन ये अलाव नहीं है, आप सोच कर लेकर जाए। उसके बाद पावर बैंक 1 से 2 लेकर जा सकते हैं, फिर ज़्यादा भी ना लेकर जाए, नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह का पावर बैंक है, इस कंपनी का पावर बैंक है, तो फिर आप लोगों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि चेकिंग के दौरान ही इसे निकाल दिया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका पावर बैंक निकाल कर नीचे डाल दिया गया है, यानी ये नहीं ले जा सकते हैं और ये अलाउ भी नहीं है। तो इस तरह का अगर आप पावर बैंक लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आप नहीं ले जा सकते हैं, कोई अच्छा कंपनी का पावर बैंक खरीदें। उसके बाद जो लोग भी आईफोन लेकर जाते हैं उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता होगा आईफोन हम लोगों के देश में बहुत महंगा मिलता है लेकिन बाहर कंट्रियों में सस्ता मिलता है। अगर आप आईफोन लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आप 1 लेकर जाए, अगर आईफोन 13 प्रो या 14 प्रो मैक्स है तो फिर 1 से ज़्यादा है तो आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। अगर 2-3 आईफोन लेकर जाते हैं एक साथ में तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता होगा अपने एयरपोर्ट पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा जब यहां से हम जाते हैं तो एयरपोर्ट पे बहुत इज्जत होता है यानी बाहर देशों में, लेकिन अपने एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें चोरों की नजर से देखा जाता है कि ये क्या चीज चोरी करके लाया है, ये क्या चीज छुपा कर लाया है। हालांकि हम लोग मेहनत की कमाई से खरीद कर लाते हैं, लेकिन इस तरह से हम लोगों को घूरा जा रहा है। ज्यादा सोना रहेगा वो भी निकाल लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाता है, ज्यादा मोबाइल है वो भी जब्त कर लिया जाता है, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल है आप लोगों के पास 4-5 तो बिंदास लेकर जा सकते हैं, लेकिन आईफोन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अगर आपके पास आईफोन 1 है तो 1 ही लेकर जाए, 2 लेकर ना जाए, उसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल लेकर जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप गोल्ड लेकर जाना चाहते हैं तो फिर गोल्ड आप लोगों के लिए अलाउ है 20 ग्राम तक। अगर आप 20 ग्राम तक गोल्ड लेकर जाते हैं फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप उसे बना कर लेकर जाए,
किसी जेवर के शक्ल में, ऐसा नहीं कि आप बिस्किट के शक्ल में खरीद ले उसके बाद लेकर जाते हैं तो परेशानी बढ़ सकता है। एक तोला आप बिस्किट के शक्ल में लेकर जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लेकर जाना चाहते हैं, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम भी काफ़ी लोग लेकर जाते हैं, तो हाथ का जो कंगन होता है या बला होता है या हार होता है वो बनवा कर लेकर जाए, इस तरह से आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके टिकट पे अगर 30 किलो सामान लिखा हुआ है तो 30 किलो का एक बैग बना ले, उसके बाद 7 किलो हैंड बैग लेकर जा सकते हैं। लेकिन 30 किलो से आपके टिकट पे ज़्यादा है, 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो, तो फिर आपको 2 बैग बनाना पड़ेगा, 1 बैग में आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास टीवी है तो फिर जो LED TV होता है उसको अलग से पैकिंग करना होता है, नहीं तो फिर आप लगेज में डालेंगे तो टूटने का डर होता है। उसके बाद फ्लाइट में क्या चीज़ अलाउ है और क्या चीज़ अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप खुद लिस्ट देख सकते हैं। ये चीज़ आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते, फिर भी चाकू छुरी ये सब लेकर जाते हैं, अच्छा से पैक करके ले जाते हैं, लेकिन गन और जो गैस हुआ, लिक्विड हुआ, ये सब नहीं लेकर जा सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो जो लोग भी इस तरह की गलती करते हैं, लगेज में कोई भी पावर बैंक डाल देता है या बैटरी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ डाल देता है, टॉर्च भी अगर डालते हैं तो फिर आपका जो बैग है उसे रिमूव कर दिया जाएगा और वहां से निकाल कर जब्त कर लिया जाता है। अगर आप वहां पे हैं तो खुद निकाल कर अपने हैंड बैग में रख ले, बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर एयरपोर्ट पे दोबारा से पैकिंग करना पड़ेगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं और आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। फाइनली उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो लोग भी घर जाना चाहते हैं बिना कफील के, मर्जी के, तो जो लोग भी बाहर कंट्री में आकर फंस जाते हैं और वो वापस जाना चाहते हैं लेकिन कंपनी अलाउ नहीं देती है, नहीं भेजती है, तो आप लोग डायरेक्ट अपने MBC से बात करें, संपर्क करें। वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ता है, 15 दिन से 20 से 25 यानी 1 महीना के अंदर में आपके पास एक मैसेज आएगा, ईमेल आएगा या कॉल भी आएगा कि आपका हर काम हो चुका है। उसके बाद आप टिकट का पैसा भरेंगे, उसके बाद आउट पास लेकर अपने देश लौट जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर वालों को बोलिए कि आप जिस एजेंट के जरिए आए हैं, जिस ऑफिस के जरिए आए हैं उसके ऊपर केस करें, वही आपको बुला कर देगा। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद अगर आप ये चीज़ भी नहीं कर सकते हैं और आप जिस कंपनी में आए हैं वो काम नहीं दे रहा है या एग्रीमेंट जो है सही नहीं दे रहा है या और भी परेशान कर रहा है, तो आप लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, उसके बाद अपने घर जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी इस तरह का गलती करने वाले हैं या नहीं मालूम है उन लोगों को भी पता चल जाए और आसानी से वो ट्रैवल कर सकते हैं।